I'm a proud Hindu, and that's how I was raised, that's how I am. You know, India's place on the global stage, its importance to geopolitics, and again, it's something I'm very proud of, and I know everyone here will be incredibly proud of the year that India's having. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। पीएम मोदी के अलावा इस सम्मेलन में जिस नेता ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। जैसे ही ऋषि सुनक ने भारत में एंट्री ली वो भारतीय रंग में रंगे नजर आए। ऋषि सुनक के संस्कार और स्वभाव से उनकी भारतीय जड़ों और भारत से लगाव का साफ साफ पता लग रहा था। जहां हर कोई G20 में बिजी था वहीं ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति समय निकालकर सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में दर्शनों के साथ ही दोनों ने गौ पूजा की। दोनों ने मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा और आरती की। वहीं सुनक ने जमीन पर माथा टेक कर भगवान को नमन किया। ऋषि सुनक इस दौरान कलाई पर कलावा बंधवाते भी नजर आए। मंदिर में लगभग 45 मिनट तक दोनों धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। दोनों ने मुख्य मंदिर के पीछे स्थित एक और मंदिर में जलाभिषेक किया, संतों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिन्द्र दवे की माँ ने तो उनकी आंखों क्रियाओं में जो प्रेम भक्ति थी वो सच में एक भक्त की थी। एक राजकीय नेता की नहीं थी, एक प्रधानमंत्री की नहीं थी। बहुत ऑर्डिनरी ड्रेस में थे, जैसे ये भाई साहब ने पहना ना शर्ट एंड ट्राउजर, व्हाइट शर्ट ट्राउजर, नो टाई नो कोट नथिंग, और उनकी वाइफ भी एकदम ऑर्डिनरी साड़ी में, नथिंग टू शो दैट दे आर द यू नो प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने हमारे मंदिर में आरती की और उन्होंने हर जो राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण पार्वती परमेश्वर वहां सब जगह पुष्पांजलि की। उनकी वाइफ ने पंचांग प्रणाम किया, आरती पुष्पांजलि ये करके बहुत बहुत टाइम गया। दूसरी ओर राजघाट पर जहां अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष कपड़े के जूते पहने पहुंचे तो वहीं भारतीय विचारों वाले ऋषि सुनक नंगे पांव महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुनक की आस्था और संस्कारों के प्रदर्शन ने उनको हिंदुस्तान में हीरो बना दिया है। जानकारों का मानना है कि इस तरीके से जुड़ने वाले रिश्तों से भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। ऋषि सुनक ने भारत में आने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है। हाल ही में मैंने और मेरे भाई बहनों ने रक्षाबंधन मनाया। हालांकि इस बार वक्त की कमी की वजह से मैं अच्छी तरह से जन्माष्टमी नहीं मना पाया। वहीं ऋषि सुनक और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की एक तस्वीर भी सुनक के संस्कारों की तस्दीक कर रही है कि वाकई में सुनक एक भारतीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस तस्वीर में सुनक घुटनों पर बैठकर अपनी बांग्लादेशी समकक्ष से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत से लौटते वक्त भी सुनक जोड़ा भारतीयों के दिलों पर अनोखी छाप छोड़ गया। पिंक साड़ी पहनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ ऋषि सुनक जाते जाते भारतीय अंदाज में नमस्कार करते नजर आए।